दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल जेमिनी एआई पर से सभी सर्च हिस्ट्री को एक साथ डिलीट करने का तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोग आसानी से गूगल जेमिनी एआई पर से अपने सभी सर्च हिस्ट्री को आसानी से डिलीट कर सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी गूगल जेमिनी एआई पर से अपने सभी सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए इस तरफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्क्रिप्ट के हुए देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए चलिए सबसे पहले मोबाइल फोन पर गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ऐप को ओपन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहां पर सर्च बार पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सर्च बार पर लिखें जेमिनी। तो चलिए लिख लेते हैं। जेमिनी लिखने के बाद सर्च कर ले, तो चलिए सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप लोग यहां पर सबसे पहले नजर आ रहे जेमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, अगर आपने लॉगिन किया है तो। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए ऊपर की ओर राइट साइड में नजर आ रहे प्रोफाइल आइकॉन के ठीक लेफ्ट साइड में घड़ी वाले आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने सर्च हिस्ट्री को दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक जो भी मैंने सर्च कर रखे हैं वो सभी सर्च हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। इन सभी सर्च हिस्ट्री को एक साथ डिलीट करने के लिए नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शंस देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर अपने अनुसार से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मैं सभी सर्च हिस्ट्री को एक साथ डिलीट करने का तरीका बता रहा हूँ, तो सभी सर्च हिस्ट्री को एक साथ डिलीट करने के लिए ऑल टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जो कि तीसरे नंबर पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं ऑल टाइम वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहां पर सबसे नीचे की ओर राइट साइड में नजर आ रहे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप फिर से यहां पर नीचे की ओर राइट साइड में नजर आ रहे गोट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब पूरी तरीके से गूगल जेमिनी एआई पर से मेरा सभी सर्च हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी गूगल जेमिनी एआई पर से अपने सभी सर्च हिस्ट्री को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।